हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ममताज किचन। इडली आप लोग ज़रूर खाते होंगे सांभर या चटनी के साथ, परंतु मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ शेजवान मसाला इडली की रेसिपी। यह इडली खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आप चाहे तो इसे स्टार्टर के रूप में सर्व कर सकते हैं, चाहे तो ब्रेकफास्ट के रूप में भी खा सकते हैं, और चाहे तो मुँह का स्वाद बढ़ाने के लिए ऐसे ही कभी आप इसे ऐसे ही खा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसे सांभर और चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं प्रॉपर साउथ इंडियन स्टाइल में। और तो और, आप बची हुई इडलियों से भी इसे बना सकते हैं, बची हुई इडलियों का एक प्रॉपर टेस्टी नाश्ता। तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। इसके लिए हमें चाहिए 8 से 10 इडली। आप चाहें तो घोल से फ्रेश इडली बना सकते हैं, या फिर बची हुई इडलियाँ हों तो उनका उपयोग कर सकते हैं। यहाँ मैंने फ्रेश इडलियों से इसे बनाना बताया है। फ्रेश इडलियों को हैंडल करने लायक ठंडा होने दें, उसके पश्चात दिखाए अनुसार छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। यहाँ मैंने 8 इडलियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इसके अलावा हमें चाहिए 2 हरी मिर्च, जिन्हें लंबे लंबे बारीक टुकड़ों में काट लिया है, साथ में 1 टुकड़ा अदरक जिसे बारीक काट के लिया है, कुछ कड़ी पत्ता और 2 बड़े प्याज जिन्हें बारीक काट कर लिया है, 1 बड़ी शिमला मिर्च जिसे टुकड़ों में काट लिया है, और 2 टमाटर जिसे एकदम बारीक काट लिया है। इसके अलावा हमें चाहिए मुट्ठी भर मटर के दाने। यहाँ मैंने ताजी मटर के दाने यूज़ किए हैं, क्योंकि अभी मटर का सीज़न है। अब कढ़ाई में 4 बड़े चम्मच तेल गर्म करने के लिए रखें। तेल में डालें 1/2 चम्मच राई, 1/2 चम्मच जीरा, और बारीक काट के रखे हुए मिर्ची, अदरक और कड़ी पत्ता। इसे डालकर भून लें। फिर डालें बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को डालकर भी हमें गुलाबी होने तक भूनना है। फिर डालें टमाटर और शिमला मिर्च। इसे भी अच्छी तरह से भूनें। ये सारी प्रक्रिया तेज आंच पर करें। फिर डालें मटर के दाने, उसके पश्चात 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक, और पुनः 1 से 2 मिनट तक इसे भून लें। उसके पश्चात अब हमें इसमें डालना है 2 बड़े चम्मच शेजवान चटनी। यह मार्केट में अवेलेबल है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं, या चाहे तो घर पर बना सकते हैं। फिर इसमें डालें 3 से 4 बड़े चम्मच पानी। इसे अच्छी तरह से मिला लें। फिर डालें टुकड़ों में काट कर रखी हुई इडलियाँ। इसे डालकर तुरंत ही अच्छी तरह से मिला लें, लेकिन हल्के हाथों से मिलाएं ताकि इडली टूटने ना पाए। फिर इसे ढककर 2 से 3 मिनट तक के लिए पकने दें। 2-3 मिनट में अच्छी तरह से मसाला इडलियों में लग जाएगा और यह इडलियाँ सर्विंग के लिए तैयार है। इसे सर्विंग डिश में डालिए और गर्मा गर्म सर्व कीजिए। सभी को बहुत पसंद आएगी। एक बार इसे बनाकर देखिए और मुझे बताइए आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।